आपके साथ मैंने कुछ साड़ियाँ शेयर करी थी, उन्हीं में से आज एक साड़ी पर मैं फूल लगा रही हूँ। आपकी लगातार रिक्वेस्ट आ रही है कि दी कुछ ऐसे आइडिया बताइए ताकि फूल जल्दी भी लगे और वो भी बिना झोल डले। तो देखिए, ये मैंने साड़ी फूल है, इसे धुल लिया है और ये ली है मैंने थ्रेड। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साड़ी पे फूल लगाने से पहले उसे धोना ना भूले और उसके बाद उसे प्रेस ज़रूर कर ले ताकि उसकी सारी सलवटें ख़त्म हो जाए। और देखिए, हमें क्या करना है कि फूल की एक साइड को बिल्कुल थोड़ा सा, आधे में से भी आधा इंच कुछ इस तरीके से मोड़ना है। और आप फिंगर से यानी नाखून से उसे टाइट करेंगे तो वो बिल्कुल सीधी लाइन खिंच जाएगी। अब हमें क्या करना है कि हमें छोड़ना है कम से कम 6 इंच, लेकिन इसमें मैंने जो ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ को एज इट इज़ छोड़ दिया है। तो मेरी साड़ी क्योंकि थोड़ी सी लंबी हो गई है तो मैंने इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ा है। आप देख सकते हैं लगभग 2 ब्लांथ के आसपास मैंने इसमें छोड़ा है। और अब उसके बाद नीचे की तरफ हमें हमेशा जो डबल थ्रेड होती है उसका यूज़ करना है, क्योंकि नीचे का जो हमारा फूल होता है वो बहुत जल्दी जल्दी उधड़ जाता है। तो अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपका फूल बिल्कुल नहीं उधड़ेगा। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों घुटनों को एक जगह लाना है और साड़ी का एक पल्लू यानी इस तरीके से हमें उसमें दबा लेना है। उसके बाद फूल को लगाना स्टार्ट कर देंगे। जब हम नीचे का धागा उठाएंगे तो नीचे का जो धागा होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए ताकि दूसरी साइड वो बिल्कुल भी विजिबल ना हो। और अगर आप जब लगाएंगे 2-3 बार तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपकी साड़ी बॉर्डर वाली है या फिर हैवी है नीचे की साइड से, तो जो नीचे का फूल होता है वो आप मशीन से लगा सकते हैं। इससे आपका जो फूल लगाने का टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। बहुत जल्दी फूल लग के तैयार हो जाता है, हार्डली आपको 6 से 7 मिनट ही लगेंगे। और देखिए, अगर मेरी तरह आपकी साड़ी थोड़ी हल्की है तो आपको दोनों साइड से ना हाथ से ही सिलाई करनी पड़ेगी और बहुत जल्दी सिलाई लगती है। अगर आप इस तरह से घुटनों में दबाएंगे तो बार बार साड़ी सरकेगी नहीं और देखिएगा कि बहुत जल्दी फूल लग जाता है। तो नीचे की साइड जो हम थ्रेड यूज़ कर रहे हैं वो हमने डबल यूज़ करा है और देखिए बीच बीच में चाय की चुस्कियाँ भी चल रही हैं। तो ऊपर की साइड जो हम फूल लगाते हैं वो हमेशा हमें सिंगल थ्रेड से लगाना है। और देखिए, जब हम लास्ट में इस तरीके से आ जाएं तो हमें क्या करना है कि इसका दूसरा छोर भी हमें इसी तरीके से डबल कर लेना है और लास्ट में आके से टक कर देना है। बहुत आराम से आपको देखने से समझ में आ रहा होगा। अगर आप बिगिनर भी हैं तो आपको 15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेंगे फूल लगाने में। तो देखिए, ये हमारा एक साइड का फूल हो गया है। अब इसके बाद हम दूसरी साइड का फूल लगाएंगे। अब ऊपर की तरफ जो फूल हम लगाएंगे, देखिए उसके लिए मैंने परात ली है। आप चाहें तो कोई थाली ले सकते हैं, कोई टेबल ले सकते हैं या फिर ज़मीन पर बैठ के भी आप इसे लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि देखिए, फूल को इस तरीके से सीधा कर लेना है। मैं यहाँ ओलपिन का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो सुई धागे से भी ये काम कर सकते हैं, ईज़िली हो जाता है। एक्चुअली हम यहाँ थोड़ा सा कच्चा करेंगे ताकि हमारा जो फूल है उसमें बिल्कुल भी झोल ना आए। अगर हम कच्चा नहीं करते हैं तो झोल पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इस तरह की जो साड़ियाँ होती हैं, अगर आप इसमें कच्चा नहीं करेंगे तो इसमें झोल 101% आता है। तो इस तरीके से आप लगाएंगे यानी मेरे तरीके से लगाएंगे तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। और जो टाइम की मैं आपको बताऊं, तो अगर आप बिगिनर हैं ना, देखिए फिर से बता देती हूँ, तो शायद 10 या 15 मिनट में आप आराम से फूल लगा लेंगे। और अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर तो आप देख ही सकते हैं कि आपका ये जो टाइमिंग है कितना कम हो जाएगा। तो इस तरीके से फूल का और साड़ी का दोनों का झोल थोड़ा थोड़ा सा निकालते चले जाएंगे और बिल्कुल अच्छे से हम इसे टक कर लेंगे यानी इसे कच्चा कर लेंगे। जब हम साड़ी के लास्ट में पहुंच जाएं तो अपनी साड़ी को हमें फ्लिप करना है और देखिए इस तरीके से हमें उसे कच्चा कर लेना है। इसके बाद फूल लगाने का जो प्रोसेस रहेगा सेम वैसे ही रहेगा जैसे हमने नीचे की तरफ लगाया था, बिल्कुल वैसे ही हमें ऊपर की तरफ भी लगाना है और बहुत आराम से हमारा फूल लग जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से फूल लगाएंगे तो देखिए बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। और चाहे आपकी साड़ी कितनी भी हैवी क्यों ना हो, उसके साथ साथ आपको जो टाइम है वो भी बहुत कम लगेगा। मुझे जब सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती थी, मैं तब से फूल लगा लेती हूँ। ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा था, उन्हें सिलाई का कुछ भी नहीं आता था, उसके बावजूद वो इतनी जल्दी फूल लगाती थी। उन्हीं से मैंने सीखा कि किस तरीके से हैवी साड़ी पर फूल लगा सकते हैं, वो भी बिना झोल के और कम टाइम में।
तो देखिए ये फोल्ड लगकर हो गया है रेडी और मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं है। ये साड़ी इतनी स्लिपरी है, अगर आप इस मेथड से इस पर फोल लगाएंगे तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको कच्चा नहीं करेंगे तो इसमें बहुत झोल आने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल ईजी मेथड है, बिगिनर आराम से इस पर साड़ी पर फोल लगा सकते हैं चाहे फिर वो कितनी ही स्लिपरी क्यों ना हो। दोस्तों ये था आज का वीडियो, वीडियो अगर आपके किसी भी रीज़न से काम का रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास से भी आप देख लीजिए बिल्कुल भी झोल नहीं है। तो फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।